अरे बबीता जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रही हो सुबह सुबह अपने तरबूज हिलाते हुए? अरे गुड मॉर्निंग जेठा जी, क्या बात है, दया भाभी की याद में हिलाते हिलाते पतले हो गए आप तो। बस क्या करूं बबीता जी, आजकल बस मुट्ठी मार के काम चलाना पड़ रहा है। वैसे कभी कभी टप्पू की गांड मार लेता हूं जब वो सो रहा होता है तो। क्या जेठा जी, मेरे होते हुए आप मुट्ठी मार रहे हो? अब क्या कर सकता हूं बबीता जी, आपके पास भी वो काला अफ्रीकन बैठा रहता है, उसको देख के मेरी गांड फट जाती है। कल ही भोसड़ी वाला धूप में बैठकर अपने लोड़े पर चमेली के तेल से मालिश कर रहा था। चलो कोई ना जेठा जी, रात को उस अफ्रीकन को सुलाकर आपके पास आती हूँ। हाँ जरूर बबीता जी, कम से कम इस मुट्ठी मारने से तो छुटकारा दिलवाओ। देखो भाई, मैं क्या कहता हूँ, अपनी सोसाइटी में बस एक ही तगड़ा सामान है गोरी गांड का, वो है बबीता जी, और वो भी इस भोसड़ी वाले अफ्रीकन के पास है। तो भाई देखो, मैं तो हिला हिला कर परेशान हो चुका हूँ, भेड़चोद मेरे एक हाथ में काम करना बंद कर दिया, तो आज रात को बबीता जी को मैं लेके जाऊंगा। हाँ मुझे भी जेठा जी का घुंघरालू बाल वाला लंड पसंद है। वैसे तारक की लुल्ली भी उनकी उम्र के साथ साथ बुढ़ी हो गई, मैं भी हाथी भाई का लेना चाहती हूँ एक बार। हाँ भाई अंजलि, मैं तैयार हूँ, आ जा कोने में। हाँ पापा, मैं सोनू को एयरपन लीबे खिलाकर उसकी गांड मार लूंगा, और ये बाकी बच्चे लोग मुट्ठी मार लेंगे। और दादाजी के तो वैसे ही छुआरे लटक गए, बहनचोद मुट्ठी मारते मारते उनकी जान निकल जाएगी। अरे ये बुड्ढा बहुत बड़ा आरामी है, कल ही माधवी को टट्टी करता हुआ देखकर हिला रहा था। अबे सोडी, वो बापूजी नहीं मैं था, बापूजी तो अपने लंड को सनी लियोनी की फोटो दिखाकर खड़ा करने की कोशिश में बिजी थे।